तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि हमारी अल्टिका जैसे कि आपके सामने अभी खड़ी है, इस स्टिल कंडीशन में आप लोगों को फ्रंट की तरफ से थोड़ा सा हट के लुक गाड़ी का दिखेगा। बिकॉज जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोगों ने इसके बोनट नेम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा अल्टिका करके, हम लोगों ने गैप दे के यहाँ पर प्रॉपर क्रोम में आप लोगों को ये बोनट नेम मिलता है। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने बोनट नेम इंस्टॉल करा है। उसके बाद में एक बहुत ही बेस्ट चीज़ आती है, जैसे कि मैं आप लोगों को सीधा इसकी तरफ लेके चलूँगा। अर्टिका गाड़ी के लिए स्पेशली उल्टा यल करके आप लोगों को यहाँ पर DRLs मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों को मैट्रिक्स स्टाइल में इंडिकेटर भी आप लोगों को इसमें ही फ्लोट होता हुआ दिखेगा। इस गाड़ी के अंदर इन जैसे कि ये हेडलाइट्स आप देख रहे हैं, इस हेडलाइट के ऊपर हम लोगों ने हमारी जैसे कि हेडलाइट DRL आते हैं विथ मैट्रिक्स इंडिकेटर, हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। लेकिन इस बार जो हमारे अल्टिका के कस्टमर्स हैं, मतलब अल्टिका के ओनर हैं, उन्होंने बहुत ही एक बेस्ट काम इस गाड़ी के अंदर करवाया कि उन्होंने कहा कि मुझे इस गाड़ी के अंदर HID इंसर्ट करवानी है। तो हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर HID यहाँ पर भी इंसर्ट करी है, यहाँ पर भी इंसर्ट करी है, प्लस इस गाड़ी का फॉग लैम्प हम लोगों ने प्रोजेक्टर वाला फॉग लैम्प इंस्टॉल करा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते कि LED DRL आप लोगों को इस प्रोजेक्टर प्रॉब्लम में मिलती है, प्लस ये इसकी वाइट बीम रहेंगे। इसकी वाइट बीम आप लोगों को जैसे पता ही है कि इसका वाइट रहेगा, तो अक्सर सी बात है कि आप ऊपर भी LED करवा लीजिए। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने ओसाराम की HID इंसर्ट करवाई, जो कि उसकी ऑफिशियली आप लोगों को 2 साल की वारंटी प्रोवाइड होती है। जैसे मैं आप लोगों को जैसे अभी इसका इंडिकेटर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं कि इंडिकेटर फ्लैट होने के बाद, मतलब कि ऐसे इंडिकेटर जलने के बाद आप लोगों को कहाँ कहाँ इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हो, ठीक है। प्लस हमारी ये हेडलाइट DRL और ये फॉग लाइट DRL, इसमें भी आप लोगों को मैट्रिक्स स्टाइल में इंडिकेटर जलते हुए दिखेंगे। हो सकता था मैं इसमें भी करवा के दे सकता था, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता। इस प्रोजेक्टर फॉग लैंप में आप लोगों को 1 & only DRL मिलती है, जो कि आप लोगों को हर टाइम चलते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं सीधा इसके हेडलाइट्स की तरफ, मैं आप लोगों को इसकी HID ऑन करके दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि देख सकते हो कि इसके HIDs ऑन हो चुके हैं। इस गाड़ी के अंदर फिर से अगेन बताना चाहूँगा कि ओसोराम्स के HID इंस्टॉल करे गए हैं, जिसमें इस साइड की तरफ आप लोगों को 611 लगता है और इसमें समथिंग कुछ तो नंबर लगता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ोटो लगा के दूंगा, कैसा लग रहा है एक लुक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कि गाड़ी की HID ऑन होने के बाद इसके नाइट विजन बहुत ही पावरफुल हो जाती है, और स्पेशली इसकी ऑफिशियली 2 साल की, मतलब 2 साल की वारंटी इसमें प्रोवाइड करी गई है। गाड़ी की LED आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो कि फ्रंट की तरफ से हो चुकी है, मतलब वाइट लाइट हो चुकी है। इसका प्लस रिस्पॉन्स क्या होता है आप लोगों का, अच्छा कि वाइट लाइट तो आपको मिलती है, प्लस इसके साथ में जब आप HID दोनों में करवा लेते हो प्रोजेक्टर में, ये बहुत अच्छे तरीके से फैलती है, हैलोजन में भी फैलती है। लेकिन इसका जैसे कि प्रोजेक्टर में आप अगर करवाते हो तो बेम इसकी स्ट्रेट रहती है, लेकिन अगर आप हैलोजन में भी करवाते हो, अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स हैलोजन्स रहेगी, तो उसके अंदर करवाने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी HID बहुत जगह पर फैलती है, ठीक है। और अच्छा रिस्पांस क्या होता है कि आप लोगों को हाईवे पे बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पांस इसका मिलता है। दूसरी चीज़ आती है कि गाड़ी के अंदर जैसे कि साइड लुक हम लोग चलते हैं, अब जैसे कि देख सकते हो गाड़ी को साइड लुक से आप लोगों को पूरा हटके बनाया गया है। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने फुट स्टेप इंस्टॉल करा है, जैसे कि देख सकते हो, पहले आप देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर सिल्वर कलर में यहाँ पर आप लोगों को ग्रिपिंग मिलती है, प्लस ब्लैक सिल्वर कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। गाड़ी का कलर है मैग्मा ग्रे कलर। मैं आया हूँ मेरे बहुत ही फेवरेट लोकेशन पे गाड़ी का शूट करने के लिए, स्पेशली
इतनी बढ़िया गाड़ी मॉड करी होगी तो आप लोगों को स्पेशल जगह पे शूट करना ही बनता है। इस गाड़ी के अंदर जैसे कि हर एक चीज आप लोगों को ब्रांड क्वालिटी मिलेंगे। हम लोग सब चीज़ें ब्रांड के साथ में डील करते हैं कृष्णा कार के अंदर। आप लोगों को एक भी चीज़ यहाँ पर ऐसे नॉन ब्रांड नहीं मिलेगी, ऐसे बेसिक वाले नहीं मिलेंगे, अच्छे ब्रांड्स की मिलेंगी एमटेक में। जैसे कि बात सोचे तो और सबसे ज़रूरी बात क्या है गाइस, इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ रह रही है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ ऐसी रह रही है कि इसका फ्रंट एंड रियर गार्ड इस गाड़ी के अंदर लगने वाला था, लेकिन थोड़ा सा एमटेक जो कंपनी बनाती है उन सब गार्ड्स को, तो उसे मैग्मा ग्रे कलर में अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर अल्टिका के लिए चाहिए होगा तो वो हम लोग बहुत जल्द अवेलेबल करने वाले। जो गाड़ी के ओनर है उन्होंने भी कहा है कि मुझे फ्रंट एंड रियर गार्ड इस गाड़ी के लिए चाहिए चाहिए, जैसे इनोवा क्रिस्टा के लिए आप लोगों को आता है। प्लस इसके जैसे कि देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं फुटस्टेप, ये ब्रांड में आता है एमटेक का, ठीक है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने लोअर विंडो गार्निश इंस्टॉल करी है, जो कि आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो पूरी एंड तक, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक हम लोगों ने इसकी प्लेसमेंट करवाई है। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर हम लोगों ने डोर वाइजर्स इंस्टॉल करे, जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ में अवेलेबल होते हैं, वो भी 6 पीसेस में आप लोगों को यहाँ तक मिलती है। कुछ कुछ लोग होते हैं कि भाई यहाँ पर लगा के नहीं देते आप लोगों को। और सबसे बेस्ट काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है, बहुत ही हटके काम हुआ है, मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। गोफार का कैरियर इस गाड़ी के अंदर एमटेक ब्रांड में इंस्टॉल हुआ है, जो कि मैग्मा ग्रे कलर में आप लोगों को मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से मैं ब्रांडिंग आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एमटेक ब्रांड में, और गोफार का यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियली ब्रांडिंग के साथ में ये कैरियर आप लोगों को प्रोवाइड होता है। बहुत ही एर्टिगा के लिए स्पेशल ये बना के आता है। आपका चाहे जैसा भी गाड़ी का कलर हो, वाइट हो, मैरून कलर हो, मैग्मा ग्रे कलर हो, चाहे जो कलर हो, उस कलर में आप लोगों को कृष्णा कार के अंदर अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम लोग अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। बाहर से एज सच इतना और कुछ नहीं करवाया, अगर चाहो तो करवा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो साइड से हम लोगों ने अल्टिका लिखी हुई, साइड बीडिंग, साइड क्लाइडिंग आप इसको बोल सकते हैं, ये हम लोगों ने लगवाई हुई है। प्लस इसमें मड फ्लैप्स भी इंस्टॉल करे गए हैं। दूसरी चीज़ आती है, अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि क्रोम डोर हैंडल्स इसके अंदर इंस्टॉल करे गए। गाड़ी के अंदर हम लोग अब चला जाए, गाड़ी के अंदर हम लोग अब चलेंगे तो जैसे कि देख सकते हो गाड़ी का इंटीरियर है ऑलरेडी पेच कलर। तो हम लोगों ने इसमें बहुत ही हटके, जैसे कि 4 ईयर्स वारंटी वाले आप लोगों को इसमें सीट कवर्स इंस्टॉल करे गए हैं, जो कि एक्स्ट्रा कुशनिंग वाले, एक्स्ट्रा वारंटी वाले आप लोगों को यहाँ पर सीट कवर इंस्टॉल करे गए हैं। इसकी फिनिशिंग आप अगर देखना चाहो तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को बकेट मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलती है। जैसे कि मैं अभी ऑन वीडियो इसका वारंटी बता रहा हूँ कि 4 ईयर्स का वारंटी आप लोगों को स्पेशली कृष्णा कार के अंदर आप लोगों को मिलता है। प्लस इसके अंदर हम लोग रबर मैट भी डालने वाले, ये तो कंपनी वाले देते जैसे मारुति के तरफ से। यहाँ पर फ्लोरिंग भी हम लोगों ने करवाई हुई है जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अंदर बैठ के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर जैसे कि हेड यूनिट आती है, हेड यूनिट जैसे कि सर ने अभी फ़िलहाल के लिए तो कहा है कि मैं इसमें कुछ तो अपग्रेड नहीं करना चाहता। स्पीकरों में भी हम लोगों ने अपग्रेड नहीं करवाया। प्लस जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे एम्बियंस लाइट इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई है, ठीक है। एम्बियंस लाइट जैसे कि आप लोगों को एटमोसफेयर लाइट इसको बोल सको, आप लोगों को सीधा हम लोग इसमें नॉर्मल कनेक्शन करवा के देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन करवाया है। बारिश भी बहुत सारी आ रही है जैसे कि देख सकते हो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। स्टेयरिंग कवर की जहाँ तक बात करी जाए, हम लोगों ने स्टेयरिंग कवर जैसे कि देख सकते हो, तो स्टेयरिंग कवर हम लोगों ने टॉप गियर कंपनी में इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है, जो कि एज टू एज कॉर्नरिंग टू कॉर्नर यहाँ पर फिटिंग होता है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अगर चाहो तो एक बात समझ लो कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, थोड़ी सी यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे हो, तो आप लोगों का यहाँ स्टेयरिंग पर से हाथ नहीं छूटता कभी भी, अगर आप टॉप गियर का स्टेयरिंग कवर इंस्टॉल कर रहे हो। टॉप गियर का स्टेयरिंग कवर का फ़ायदा क्या रहता है, अगर आप इसको लगवा लेते हो तो यहाँ से एज टू एज कॉर्नरिंग टू कॉर्नरिंग बैठता है, यहाँ पे टक इन किया जाता है। जितने भी आपके स्टेयरिंग कवर पे, या फिर चाहे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग कवर हो, जैसे क्रेटा के अंदर आता है, वेन्यू के अंदर आता है, तो उस टाइप की फिटिंग एकदम प्रॉपर आती है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर फिनिशिंग, पीछे की तरफ से सीट कवर्स हम लोग, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा।
पीछे की सीट्स आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर अभी बैग रखा हुआ है। पिछले रो तक आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, सीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग आप देख सकते हैं। पीछे भी आप लोगों को एम्बियंस लाइट अवेलेबल होती है, ठीक है। बारिश तो बहुत सारे आ गई है भाई, जैसे कि देख सकते हो। और भी क्या चीज़ें गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है, स्पेशली तो मेरा यही एक अच्छा समय था कि मैं इस लोकेशन पे आऊँ, इस गाड़ी की वीडियो शूट करूँ इतने स्पेशल काम होने के बाद। तो और भी चीज़ें क्या इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है, शॉप की तरफ चलते हैं तब बात करते हो। जैसे कि देख सकते हो कि गाइस अल्टिका के अंदर पीछे की तरफ से हम लोगों ने क्या मॉड्स करे हैं, जैसे कि देख सकते हो कि हम लोगों ने पिलर लाइट्स इंस्टॉल करे हैं, प्लस इस टेल लैंप क्रोम को हम लोगों ने इसके ऊपर इंस्टॉल करा गया है। और दूसरी चीज आती है कि पीछे की रिफ्लेक्टर्स हम लोगों ने मैट्रिक्स स्टाइल में यहाँ पर रिप्लेस करवाए हैं। दूसरी चीज आती है कि जब हम लोग गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्टिका करके स्कपलेट्स इंस्टॉल करे हैं, जो कि ब्लैक एंड ब्लू कलर की यहाँ पर लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। पीछे की तरफ से देखा जाए तो हम लोग, आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पर इंस्टॉल करे गए। जैसे मैंने बात करी कि आप लोगों को और चीज़ें क्या गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होने वाली थी, तो ये दो चीज़ें गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुई, दो से तीन चीज़ें, जैसे कि ये वाली स्कपलेट, दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर पूरा टेल लैंप क्रोम, और यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर इंस्टॉल करे गए। सो आई गेस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी।